Shiver, 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 shambho. गाइज, आप लोग सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। पूजा पाठ मेरा घर का हो गया है। मैं अब जा रही हूँ मंदिर भोलेनाथ का पूजा करने के लिए। बाकी फिर आके आपको मिलती हूँ। सो बाय। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैं मंदिर से आ गई हूँ। मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आज मेरा फास्ट भी है। बच्चे स्कूल से अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। एक छोटा वाला 12 o'clock तक आ जाता है और बड़ा वाला 2 o'clock तक आता है। तो बच्चे नहीं रहते तो खाली खाली सही रहता है और शांति भी रहती है। जो भी हमारे बाकी के काम होते हैं बच्चों के जाने के बाद हम कर लेते हैं, तो हो गया। अब आएंगे तो बस पूरा घर फिर से हो जाता है भरा भरा सा। बाकी बस वही चल रहा है आज। आज और कुछ खास नहीं है, अभी तो पूजा पाठ का ही आज पूरा दिन है, तो बस वही है। और बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सब कैसे हैं? और आप लोगों का भी सबका फास्ट होगा, जिसने जिसने किया है वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आगे देखते हैं क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए सो गाइस, अब है रात को, रात का रूटीन दिखाने का टाइम। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी पूड़ी, सेंधा नमक की पूड़ी सब्जी बनाऊँगी। सेंधे नमक का डाल के आटे में पूड़ी बनाऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी। ये रात का मेरा खाना रहेगा और चलिए देखते हैं। सो गाइस, मैंने सब्जी के लिए आलू कट कर लिए हैं, बॉयल आलू हैं, टमाटो है, ऑयल है, ये नमक है, ये ग्रीन चिली है और ये कुछ मसाले हैं, स्पाइसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, इसको गर्म होने देंगे। डालेंगे इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा जीरा और ग्रीन चिली। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर, इसमें थोड़ा सा डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं तो हम सेंधे नमक से बना रहे हैं। इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, अब ये टमाटर थोड़ा सा ना हमारा गल चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मसाले। मसाले में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, तो मिक्स करेंगे। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सब अपना अपना मतलब खाते हैं बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ।
मैं कैसे बनाती हूँ। नॉर्मली सब ऐसे ही बनाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। आप अपने स्वाद के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। कई लोग व्रत में वो नहीं खाते, ऑयल नहीं खाते, घी खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें घी ऐड कर, घी या ऑयल जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। मैं तो मतलब ऑयल में ही खाती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से बॉयल होने के लिए कवर कर देंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। सो गाइस, हम सब्जी को खोल के देख लेते हैं। हमारी जो सब्जी है सिंपल सी वो एकदम रेडी हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। बस अब ये जो सब्जी है वो हमारी तैयार है, डन। जो कि बहुत सारा धनिया लग गया है मेरे हाथ में। वॉश करती हूँ, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।